सत श्री अकाल जी सारयां नूं। अज साडे माली आया घर, माली भी साडे पौद्यां दी देख रेख करदा ते ये बड़े वधिया बणांदा गार्डन नूं, पौद्यां नूं कटिंग बहुत सोहनी करदा, उहनां नूं ग्रूमिंग कर दिंदा, वाधू टाणियां दी कांड छांड कर दिंदा। ते अज ग्लो वेल जिहड़ी आ बहुत वध गई है, कई वारी सप्प भी थलों कोठे उपर चले जांदे आ छत ते, इस करके हुण जिहड़ी आ ग्लो वेल दी कटिंग कर रहे हैं। देखोगे कि आलना जिहड़ा ये ग्लो वेल दे विच लुकिया होया सी, इत्थे जिहड़े छोटे उल्लू है कोचरियां उन्होंने आलना बनाया है। हुण जदे वेल की कटिंग होगी तो फिर इतने गिटारा आ जाएगा। देखो ये सारी वेल हम कट देंगे, गर्मी के बच्चे ने फिर बसंत रुत आऊगी फिर फुट पैना तो फिर इन्हें इन्नी वध जाना। देखो सकलेंट्स किन्ने सोहने, किन्ने हेल्दी प्लांट है। इत असी जरा घर सब्जियों के छिलके है या जड़े कोई भी वेस्ट है ऑरगैनिक वेस्ट जो डीकंपोज हो जाता वह पाने इतने, तो देखो जी मन्योर है ऑरगैनिक मन्योर बन जाती है, खाद बनवाई भी है इतने साड़ी धरती में, वो इन कन्वर्ट कर देंगे ऑरगैनिक मैटर नो खाद दे विच। और देखो तुसी किन्ने हेल्दी है, सब तो वधिया तरीका पौद्यां दी हेल्थ वास्ते कि जिहड़ा साडे घरे वेस्ट मटीरियल है उन्हें अपनी क्यारी विच पा दिओ, चाह पत्ती है, आलूआं दे छिलके है, गंढिआं दे छिलके है, लसन दे छिलके, जो भी छिलके है सब्जियां दे वह सारे अपने जिहड़ा गार्डन हैगा क्यारी है वो एक टोआ पुट के सुट दो, उत्थों जिहड़ी हैगी है तुसीं रेह कढ के खाद जिहड़ी आ बूटियां नूं पा सकदे हो। तो जे तुसीं वैसे ही क्यारी विच सिट्टी पाओगे तो वह भी अपने आप खाद जिहड़ी आ बन जाती है। आ मैं कलमां लाईआं सी कल पौधे दीआं, देखो जैसमीन दा बूटा है, दरख्त है, बड़ी सोहनी महक आउंदी इहदे विच। देखो माली कटिंग कर रहा है, छत तो भी ला देंगे, छत उपर चढ़ी हुई है। अज असी टकोमा वेल है जी उन्हें भी कटता क्योंकि हुण फ्लावरिंग तो बंद हो जानी है सर्दी में, सारे रुख है जो सौ जाते हैं, एक बार रैसट करने की रुत होंगी है सर्दियों की, पौधे भी रैसट करते हैं। सारी कुदरती एक बार रैसट करते हो जाती है, पौधे पंछी भी बच्चे नहीं कढ़ते सर्दियों में, वह भी रैसट करते हैं। तो जोड़े पौधे वह भी रैसट करते हैं, फिर तैयार हो जाते हैं बसंत रुत बहार लिया वास्ते। गुलाब से इन कटता हूँ, पटारा होगा गुलाब से, गुलाब से सर्दियों फुल आते हैं, इन कटता गुलाब के पौधे कटता। हाँ देखो पीला फ्लावर चाइना रोज से आएगा, हम गुलदौदी मैरून कलर की, इत्थे साडे सीगा पाम सी उन्हों असी कढ़ता क्योंकि ग्रो नहीं कर रहा सी, ऐसे जो दरख्त नीचे आ गया सीगा
ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਹਿੰਗ ਦਾ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਵਰ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਫਲਾਵਰ ਇਹਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੇ ਜੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਬੂਟਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰਡਸ ਦੋ ਆਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲਾਰ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣਗੇ ਗੁਲਾਬ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।